सबसे पहले मैं अपने ज़ाती हैसियत में और तमाम डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, बाकी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, जो हमारी बरीफ फैमिली है, जो सुल्तान साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस, उनसे इजहार ताज़ियत है। उन्हें एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है, उसमें मेरी उनसे यही बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह उस दिन के वाकये में भी पूरी हमारी सरगोधा पुलिस, तमाम रैंक्स, आरपीओ साहब से लेके हमारे तमाम रैंक्स जो हैं, उस दिन जिस तरह इस फैमिली के साथ खड़े हुए, आइंदा भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे और साथ खड़े हैं। इन्हें ना सिर्फ मुकम्मल सिक्योरिटी का तहफ़ दिया जाएगा, एहसास दिया जाएगा, बल्कि उसको ऑन ग्राउंड अप्लाई भी किया जाएगा। और बाकी मैं तमाम आपकी कम्युनिटी उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक इम्तिहान में जिस तरह से तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ खड़े होके, जो लोगों के नापाक अजायम हैं, जो लोगों के बुरे इरादे हैं, जो लोग माशरे में इंतशार फैलाना चाहते हैं, उसको जिस तरह से काउंटर किया, और ये बिल्कुल आप सब के पॉजिटिव रोल की वजह से था, पॉजिटिव किरदार की वजह से था कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और अपने जाने वाले भाई के लिए दुआया अल्फाज जो हैं अदा कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो शरपसंद अनासर हैं, उनका तो यही था कि शायद हम इस माशरे में पता नहीं कितनी तबाही फैला दें। इसके साथ साथ मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस और सरगोधा पुलिस अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इस केस को मंतकी अंजाम तक लेके जाएगी, और जितने भी लोग थे इसमें, जो इस घिनौनी साजिश में, जो इस घिनौने एक्ट में शामिल थे, उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, जो उनकी सज़ा हमारे आईन ने, जो हमारे पाकिस्तान के कानून में लिखी है, उन सबको उस सज़ा के एंड तक हम लेके जाएंगे, और ये हमारा आप सबसे वादा है। और उसमें मेरी आपसे एक आखिरी जो रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के जब भी कोई वाकयात होते हैं, तो बजाय इसके कि हम अपने तौर पर रिएक्ट करना शुरू कर दें, लोगों की बातों में आ जाएं, कोई गलत कदम उठा लें जिससे ना सिर्फ हमें अपने तौर पर बल्कि हमारे मुल्क को नुकसान हो, उसमें बहुत बेहतर है कि हम मुतलका इदारों से रब्ता करें, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, जो मालूमात हमारे पास हो, वो हम अपने मुतलका इदारों से शेयर करें, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से शेयर करें, ताकि कानून पाकिस्तान के मुताबिक उस चीज़ को डील किया जाए और उसमें शामिल जो भी मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया जी आप सब।